ये एक पिरामिड है जो दूर से ऐसा दिखता है, पर पास से ये इतना बड़ा है। वेल, जिस तरह से आज ये दिख रहा है, इसे ऐसा नहीं बनाया गया था। आज आप जाकर गीजा के पिरामिड्स को देखें तो आपको ये दिखेगा कि वो पिरामिड रेत और स्मॉग से ढक गए हैं, पर 4000 साल पहले ये और भी सुंदर लगते थे। ये चारों ओर से लाइमस्टोन से कवर्ड थे जिससे ये वाइट दिखते थे। आप में से ज्यादातर लोग शायद ये नहीं जानते होंगे, पर ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि इस वीडियो में हम पिरामिड्स से जुड़े कई सारे फैक्ट्स जानने वाले हैं। आज से 4700 साल पहले यानी कि 2700 BC में इजिप्ट के सकारा नेक्रोपोलिस में पिरामिड ऑफ जोसर का निर्माण हुआ। ये पहली बार था जब इतने विशाल पिरामिड को इंसान ने बनाया था। इसे इजिप्ट के राजा जोसर के लिए बनाया गया था, पर 1992 में आए 5.8 मैग्नीट्यूड के भूकंप ने इसे बहुत ही डैमेज कर डाला, और अगर इस पिरामिड का रेस्टोरेशन नहीं किया जाता तो ये पिरामिड अगले भूकंप तक पूरा ढह जाता। ये पिरामिड 62.5 मीटर के हाइट का है, जिसमें 6 बड़ी सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। और चलिए अब रुख करते हैं मजेदार फैक्ट्स की ओर। फैक्ट नंबर 1, जब इंसान के पास ना कोई एडवांस मशीनरी, ना ही क्रेन्स या फॉक लिफ्ट्स थे, तो उस जमाने में इजिप्शियंस ने लाखों पत्थरों से विशाल पिरामिड्स बना दिए, जिसमें एक पत्थर का वजन 5 से 10 टन था। तो ये कैसे संभव था कि उन्होंने इतने भारी पत्थरों को इतने ऊपर तक बिना किसी टेक्नोलॉजी के चढ़ाया? ये चीज आज भी रहस्य बनी हुई है। फैक्ट नंबर 2, ये काफी पुरानी मान्यता है कि इजिप्शियंस ने इन विशाल पिरामिड्स को बनाने के लिए स्लेव्स यानी गुलामों की मदद ली थी, पर बाद में पता चला कि इन पिरामिड्स को बनाने वाले हर कारीगर को काफी धन मिला था। यही नहीं, सारे वर्कर्स की मौत के बाद उनके कब्र में शराब और खाने पीने की चीजें भी रखी गई थी, जिससे कि वो अगले जन्म में भूखे ना रहें। फैक्ट नंबर 3, हम जानते हैं कि जैसे ईंट से ईंट जोड़ने के लिए सीमेंट के मोर्टर यानी गारे का यूज होता है, वैसे ही उन कारीगरों ने पिरामिड के पत्थरों को जोड़ने के लिए कौन से गारे का इस्तेमाल किया, जिससे कि हजारों साल बीतने के बाद भी ये पिरामिड जस के तस हैं और उन्हें अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, जबकि आज के समय में बनने वाली बिल्डिंग्स इतने सालों तक किसी भी कीमत पर टिक नहीं सकती। फैक्ट नंबर 4, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि पिरामिड एक्चुअल में लाइमस्टोन से ढके थे, पर हम आपको ये बताना भूल गए कि इजिप्शियंस वर्कर्स ने उन लाइमस्टोन को इतना पॉलिश किया था कि वो सूर्य की रोशनी से रिफ्लेक्ट होते ही डायमंड की तरह चमकते थे। इस कारण कई किलोमीटर दूर से ही ये पिरामिड्स चमकते हुए दिख जाते थे। अब मैं आपको थोड़ा पिरामिड के डायमेंशन की तरफ ले चलूं। द ग्रेट पिरामिड ऑफ कुफू का वजन 57,50,000 टन है। कंपैरिजन के तौर पर बुर्ज खलीफा का वजन सिर्फ 5,00,000 टन है। वहीं पिरामिड ऑफ कुफू में टोटल 23,00,000 पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें हर पत्थर 2.5 टन का है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना विशाल होगा, पर इस विशाल पिरामिड को भी डिमोलिश यानी ढहाने के सपने कुछ लोगों ने देखे। 12वीं शताब्दी में इजिप्ट के शासक अल अजीज ने इजिप्ट के पिरामिड्स को डिस्ट्रॉय करने का प्लान किया था। उसने कोशिश भी की। आप पिरामिड के ऊपर ये जो निशान देख रहे हैं, यहीं से उसने इस पिरामिड को तोड़ना शुरू किया था। पर जब अल अजीज ने देखा कि पिरामिड के इतने छोटे हिस्से को नष्ट करने में उसे 8 महीने का समय लग गया, तो फिर पूरे पिरामिड को तोड़ते तोड़ते तो उसका जीवन ही निकल जाएगा। उसके बाद उसने अपना इरादा बदल दिया। फैक्ट नंबर 5, साइंटिस्ट ने अपने कैलकुलेशंस से ये पाया था कि एक पिरामिड को बनाने में 23 साल लगे थे, और इजिप्ट के ज्यादातर पिरामिड एक साथ ही बने थे। वहीं एक पिरामिड को बनाने में 90,000 कारीगरों की जरूरत पड़ी थी। तो अब आप सोच सकते हैं कि इन पिरामिड्स को बनाने के लिए कितने बड़े स्तर पर काम हुआ था और कितने सारे लोगों की जरूरत पड़ी होगी। फैक्ट नंबर 6, इजिप्ट के पिरामिड्स की तरह दुनिया के कई हिस्सों में पिरामिड्स पाए गए हैं, पर वो इजिप्ट के पिरामिड की तरह इतने विशाल और रहस्यमय नहीं है। इजिप्ट के पिरामिड में राजा को उसके स्लेव्स, शराब, खाने पीने की चीजें और सोने चांदी के साथ दफनाया जाता था, क्योंकि वो ये मानते थे कि जिस चीज के साथ बॉडी को दफनाया जाता है, अगले जन्म में उसे वो चीज मिलती है। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि इजिप्ट पिरामिड्स को बनाने की कला की शुरुआत इम्होटेप नाम के व्यक्ति ने की थी?
उसी के निर्देशानुसार इजिप्ट में पहला पिरामिड बना। इम्होटेप एक आर्किटेक्ट होने के साथ साथ फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर और इजिप्शियन पंडित भी थे। तो ये थी एक छोटी सी गाथा इजिप्ट के पिरामिड्स की। अगर इस वीडियो में 10,000 लाइक्स आते हैं ना, तो इसका सेकंड पार्ट भी जरूर आएगा, और वो भी ऐसे मजेदार फैक्ट्स के साथ जिन्हें आपने अभी तक नहीं सुना होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।